हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक पोस्ट लाया हूँ। इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रखे हुए पानी में, जमा पानी में मच्छरों का जो है प्रजनन बढ़ता है, कैसे उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है। और ये देख रहे हैं आप, ये चिड़ियों के पानी पीने के लिए रखा गया है। तो ये इसको बदला नहीं गया है कई दिनों से। तो ये इसमें मच्छरों ने अंडे दिए हैं और इसके बाद में ये लार्वा बहुत सारे देख लीजिए इसमें हैं, और ये ही मच्छर बन जाएंगे और फिर मच्छर का आतंक हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कितने सारे हैं इसमें। और ये सावधानी बरतने की बात है कि अगर आप कूलर में या टायर में या किसी गड्ढे में, नाली में, नाले में पानी जमा हो रहा है, या चिड़ियों के लिए पानी पिलाने के लिए जो आप पॉट रखते हैं उसमें पानी जमा हो रहा है, तो इसको आप बदलें, रोज़ाना बदलें। तो इससे इसमें इस तरह से मच्छर अंडे नहीं देंगे। ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसको क्या करना है कि इसको हम पलट देते हैं, इससे क्या होगा, लार्वा मर जाएंगे। अब ये ख़त्म हो जाएंगे, इनको पानी नहीं मिलेगा, ये ज़मीन में है, ये भी सूख जाएगा, ये मर जाएंगे। तो ये आप मच्छरों की, इतने सारे मच्छरों से बच जाएं। ये सरकार भी प्रचार करती थी पहले, अभी का तो पता नहीं, लेकिन नाले में, नाली में पानी जमा मत होने दें, बहुत खतरनाक है ये। मच्छरों को बढ़ावा देना है, ये लार्वा अभी मर जाएंगे। बहुत महीन से भी चल रहे हैं, पानी जैसे जैसे सूख जाएगा ये सब मर जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास जमा हुए पानी को न जमा होने दें और उसको हटा दें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। मच्छरों से बहुत सी मौत होती है, इसका वैक्सीन नहीं बना है, मच्छरों का कोई वैक्सीन नहीं है, मलेरिया का कोई टीका नहीं है। मलेरिया हो जाता है तो लोगों की जान तक चली जाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल।